एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम इन टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें कहा गया है कि कीपिंग इन माइंड द स्टैटिस्टिकल एग्जांपल, डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी को स्टैटिस्टिकल एग्जांपल को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करना है और माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी को भी डिस्क्राइब करना है। तो स्टैटिस्टिकल एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम माइक्रोस्कोपिक जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसको एक्सप्लेन कर सकते होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड दैट स्टफ, जो कि स्टैटिस्टिकल एग्जांपल के अंडर आता है। और माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन वो हम पहले करेंगे, उसको देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली जो कि थर्मोडायनेमिक्स जो होती है सिंपल, उसमें इंटरप्रिटेशन क्या होती है एंट्रोपी की, और देन हम एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल को यूज़ करते हुए माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं माइक्रोस्कोपिक कर रही हूँ, दैट्स अप टू यू कि आप ये वाला पार्ट पहले कर लें और दूसरा वाला पार्ट बाद में कर लें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट आती है और देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आई थी और वो इंटरप्रिटेशन आई थी। तो मैं उस रेफरेंस से पहले थर्मोडायनेमिक्स वाला करना चाहती हूँ, क्योंकि सेकेंड वन पार्ट विल बी समथिंग दैट विल बी इन डिटेल्ड, क्योंकि उन्होंने वही इन डिटेल्ड पूछा है। सो हम इसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी इज़ एंड ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ज़्यादा, तो मतलब थ्योरी है इसमें। एंट्रोपी इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेट वेरिएबल फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। It has both macroscopic and microscopic descriptions, and both of them are equally important. Equally important. Let us have a look on their microscopic and microscopic descriptions with suitable examples as follows. Okay, so first one में हम microscopic interpretation को लेंगे। In microscopic interpretation, we define entropy as the thermal energy, commas thermal energy per unit absolute temperature that is unavailable to do useful work. Okay, so entropy microscopic या thermodynamics में जो interpretation use की जाती है वो यही की जाती है कि वो thermal energy per unit temperature जो कि available नहीं है useful work के लिए। Now change in entropy is something that is measurable. Change in entropy, not entropy, ये लिखें now change in entropy, not entropy. Entropy का साइन यहाँ पे s यूज़ करते हैं, change in entropy के साथ डेल्टा s यूज़ कर लें। Change in entropy, delta s, not s, is something that is measurable and hence in delta s, which is change in entropy, is important. Mathematically, it is the heat transfer, जो कि thermal energy है, लेकिन transfer का word use किया क्योंकि हम process की बात कर रहे हैं, process में delta S होता है, entropy change होती है, that is the heat transfer per unit temperature at which the transfer occurred
फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस हम लिखते होते हैं एस टू बी इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू बाय टी, ठीक हो गया। तो फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, और डेल्टा एस क्या है, एस एफ माइनस एस आई है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, और ये भी इनिशियल टू फाइनल स्टेट, डी क्यू हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द ट्रांसफर हैज़ अकर्ड, एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एंड सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स बट नॉट द प्रोसेस, ब्रैकेट में लिख लें कि रिवर्सिबल हो वो चाहे या इरिवर्सिबल हो, दैट इज़ वाई वी कैन यूज ये वाला एक्सप्रेशन, इसको आप नेम कर दें वन, तो यहाँ पे रेफरेंस दे दें, वी कैन यूज़ इक्वेशन वन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस टू फॉलोइंग अ स्पेसिफिक अ सूटेबल प्रोसीजर। एक सूटेबल प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूला को जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइंड है, हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें से एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इफ़ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल है तो इट मीन्स टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास ये डेल्टा एस इक्वल था आई टू एफ डी क्यू बाई टी ना, तो टी कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो वन ओवर टी, और ये डी क्यू पे इंटेग्रल लग जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, तो ये आ जाएगा वन ओवर टी, डी क्यू का इंटेग्रल क्या आएगा क्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, ये इक्वल हो जाएगा वन ओवर टी क्यू एफ माइनस क्यू आई, जिसको हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा क्यू बाई टी इक्वल्स डेल्टा एस, ये फॉर रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए। That shows the heat transfer जो हुआ at temperature T, ठीक है। For example, if a system A is in contact with a heat bath, then and we allow the heat to transfer isothermally to the system A at temperature T, then entropy change is given by heat, let's say कितनी transfer हुई है, delta Q transfer हुई है, entropy change is given by delta S equals डेल्टा क्यू, जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई होगी आइसोथर्मली के ही है, तो मींस टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो पहले जो सिस्टम का लेट्स से 20 डिग्री टेम्परेचर था, तो बाद में भी 20 डिग्री ही है, तो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो हीट ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये हमें एंट्रोपी दे देगा। सो माइक्रोस्कोपिकली इफ वी नो द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड transferred and temperature of heat temperature at which that transfer has occurred, we can easily find out the entropy change for a process either reversible or irreversible, ठीक है। तो ये हमने माइक्रोस्कोपिकली इसका देख लिया सारा काम, जिसमें सबसे पहले हमने एंट्रोपी को इन जनरल इंट्रोड्यूस कराया, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन में हमने इसको डिफाइन किया, और फिर हमने बताया कि डेल्टा इज समथिंग दैट इज़
मेजरेबल जो होता है, जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइन किए जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इनकी डिफाइन नहीं होती, इसी तरह एंट्रोपी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती। इट इज़ चेंज इन एंट्रोपी जो कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर इवन हम एस यूज़ करें, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डेल्टा एस। तो यहाँ पर फिर हमने डेल्टा एस को किया कि पहले हमने थर्मल एनर्जी यूज़ किया फॉर एस, तो डेल्टा एस में क्या होगा, चेंज इन थर्मल एनर्जी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी हम कह सकते हैं। और एंट्रोपी अकाउंट्स फॉर द वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये प्रोसेसेस की डायरेक्शन के बारे में बताती है कि एक प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है कि इट इज़ द एंट्रोपी दैट डिफाइंस द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेसेस विल अकर, ठीक है। किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, अंडा नीचे गिरेगा या गिरा हुआ अंडा वापस ऊपर आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, ये हमें एंट्रोपी बताती है। तो ये बात भी आपने लास्ट में लिख लेनी है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एंट्रोपी। फिर हमने इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखा कि मैथमेटिकली हम माइक्रोस्कोपिक जब इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसके फॉर्मूलाज क्या लिखते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट वेरिएबल है तो प्रोसेस जो भी हो, अगर इनिशियल फाइनल स्टेट हम ले लें तो उसके थ्रू हम एक प्रॉपर प्रोसीजर है बहुत इजी सा, उसको फॉलो करते हुए हम इवन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी को निकाल सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला। और फिर आगे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिफाइन कर दिया, और एक हमने एग्जांपल ले ली कि लेट्स से एक सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद द हीट बाथ है जो कि टेम्परेचर टी पे है इनिशियली, और हीट बाथ में से आइसोथर्मली हीट ट्रांसफ़र हो रही है और डेल्टा क्यू ट्रांसफ़र हुई है, टेम्परेचर टी हुई है, तो आपको एंट्रोपी सिंपली इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा। और भी इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली अगर हमें हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर पता चल जाए तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्रोपी माइक्रोस्कोपिकली। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रोपी। या इंटरप्रिटेशन यूज़ कर लें वर्ड ऑफ एंट्रोपी, जिसको हम स्टैटिस्टिकल व्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली वी डिफाइन एंट्रोपी इन प्रोबेबिलिस्टिक वे एज फॉलोज। तो यहाँ पे इसकी इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, ओके। इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मटीरियल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेज सिस्टम नंबर ऑफ वेज आर एटम नंबर ऑफ वेज एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सिस्टम। ब्रैकेट में कुड बी अरेंज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, के एक कितना सिस्टम डिसऑर्डर्ड है, कितना रैंडम है, ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। और जिसकी एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी वो मटेरियल और उसमें जो स्टेट्स हैं वो उतनी ही रैंडम होंगी और उसमें डिसऑर्डरनेस इतना ही ज़्यादा होगा। और इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेज एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप द सिस्टम कुड बी अरेंज। ये एक मोर मैथमेटिकल और एक्यूरेट वे है टू डिफाइन इट के एंट्रोपी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ वेज, के उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो सिस्टम को बना रहे हैं वो अरेंज किए जा सके। इंटरप्रिटेशन बोल्ट्जमैन ने दी थी, बोल्ट्जमैन वॉज द फर्स्ट टू गिव द रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी जिन्हें हम नंबर ऑफ वेज कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंड द फॉर्मूला दैट ही गेव इज़ नाउ नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन, उसको कहा जाता है अब,
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, इसी को यूज़ किया जाता है एट फर्स्ट प्लेस एंट्रोपी को फाइंड आउट करने के लिए माइक्रोस्कोपिकली, दैट इज़ एस इक्वल्स के बी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू, वेयर के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट हुज़ वैल्यू इज़ 1.38 मतलब 10^-23, आई थिंक जाउल पर केल्विन ये होती है इसका यूनिट होता है, और डब्ल्यू इज़ द नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की नेचर क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है सिस्टम या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है कि परम्यूटेशंस की इक्वल होगी, कॉम्बिनेशंस की इक्वल होगी या क्या नंबर ऑफ वेज उसकी होंगी। अभी हम देखते हैं कोई इसकी स्टैटिस्टिकल एग्जांपल और फिर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। लेट वी हैव अ बॉक्स इन विच देर इज़ अ पार्टीशन और वॉल इन सेंटर एंड वी वॉन्ट टू अरेंज 8 मॉलिक्यूल्स इन इट। सो लेट्स से ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, और इसमें हमने 8 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स आप 8 बॉल्स की तरह लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि लेट्स से ये तमाम बॉल्स डिफरेंट हैं, ओके, तो एट रैंडम आप इन 8 सबसे पहले आपने चॉइस लेनी है, ठीक है, सबसे पहले आप चॉइस लेंगे। तो यहाँ पे पहली चॉइस ये होगी कि इन 8 बॉल्स में से आप कोई भी एक बॉल लेके इसमें डाल सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला बॉल डाल देती हूँ इधर, ठीक है, और मेरे पास 8 डिफरेंट चॉइसेस थी कि मैं कोई भी बॉल चूज़ कर लेती और इसमें डाल लेती फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 8 लेंगे, क्योंकि आपके पास 8 वेज थी कि इनमें से कोई भी बॉल आप चूज़ करके यहाँ पे इस बॉक्स में डाल देते। नेक्स्ट में एक बॉल जब आप डाल चुके हैं, सेकेंड आपके पास 7 बॉल्स अब रह गई हैं, और 7 बॉल्स में से आप 7 आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इनमें से कोई भी बॉल चूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं ये लाइस से ये चूज़ कर लेती हूँ आउट ऑफ 7, या फिर मैं ये भी कर सकती थी, ये भी कर सकती थी, ये वाला भी कर सकती थी, ये भी कर सकती, मतलब कितने चॉइसेस थी मेरे पास, 7 चॉइसेस थी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जब 7 वाला कर लिया 2 ख़त्म हो गए, आप 6 रह गए, तो इसी तरह 6 चॉइसेस रह गई, और फिर करते करते आपके पास चॉइसेस रिड्यूस होती जाती हैं अनटिल आपके पास 1 आ जाए, ठीक है, या कोई बॉल ना बचे, कोई आपके पास कोई बॉल ना बचे। तो ये आपके पास इसको हम लिखते होते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये ऐसा जो प्रोडक्ट होता है इसको हम 8 विक्टोरियल लिखते हैं। तो अगर ये तमाम बॉल्स डिफरेंट हैं तो देर आर 8 विक्टोरियल वेज टू पुट दैट बॉल्स इन दैट बॉक्स, ठीक हो गया। लेकिन इफ़ नाउ यहाँ पे इस चीज़ को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, नाउ वी कैन पिक फर्स्ट बॉल इन 8 डिफरेंट वेज, इसे या मॉलिक्यूल्स आप लिख लें, देन बॉल की जगह आप मॉलिक्यूल लिख लें, इन 8 डिफरेंट वेज, देन वी आर लेफ्ट विद 7 मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इन टर्न अरेंज्ड इन 7 different ways are picked in 7 different ways and so on, so that total number of ways of choosing the 8 molecules in total becomes the product of all that independent ways. तो इन सब का प्रोडक्ट जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि वो लेट्स से इसको मैं W1 का नाम देती हूँ इक्वल्स टू 8 फिक्टोरियल हो चुका है। नाउ क्योंकि मॉलिक्यूल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, तो लेट्स से आपने 5 बॉल्स इस इधर रखे और 3 बॉल्स इधर रखे, ठीक है, तो पहले आपने ये वाला चूज़ किया, ठीक है, ये वाला आपने यहाँ पर रखा या यहाँ पर रखा, ये वाला यहाँ पर रखा या कहीं पे भी रखा, ये इनकी जो आपस में जो परम्यूटेशंस हैं
वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स से पहले आपने 7 वाला बाउल चूज़ किया, फिर 4 वाला किया, फिर 5, फिर 8, फिर 3, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनी। लेकिन अगर आप पहले 4 ले लेते, फिर 8 लेते, 5 लेते, 7 लेते, 3 बनते, फिर भी ये कॉन्फ़िगरेशन पे आप रीच करते। ठीक है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं कि एक जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपको अचीव होती है अगर आप उस वे से भी करते, तो यहाँ पे जो आपकी वेज बन रही है ना, ये ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि इसमें ये वाली परमुटेशन भी इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपने दोनों हाउस में कितने बॉल्स डाले हैं, जितने आपने डाले होंगे उनकी परमुटेशन से भी आपको इसको डिवाइड करना होगा ताकि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ वेज मिलें, क्योंकि ये आपके पास ऐसे ज़्यादा बनती है। मैं अभी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया उनका अभी पेपर है और मैं इतना वो नहीं कर सकती, मेरा भी कल पेपर है। तो ये फिर इस सेक्शन में लेट्स से N1 बॉल्स हैं और इस सेक्शन में लेट्स से N2 बॉल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ वेज बनेंगी वो आपके पास ये जो होगा, ये हैं टोटल मॉलिक्यूल्स का फैक्टोरियल। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स से एक ही फैक्टोरियल बनाना, तो अगर आपके पास N मॉलिक्यूल्स है ना, तो आपके पास कैपिटल N फैक्टोरियल बनेगा। मैं इसको आप एक्चुअल में लिखती हूँ जो आपने लिखना होगा इन पेपर, टू गेट सिंस द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, सो 8 फैक्टोरियल डजंट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ वेज, इट अवर काउंट्स सम वेज विच आर परमुटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेक्शंस। ठीक है, ईच सेक्शन में जो परमुटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जैसे मैंने कहा था इतने टाइम्स ये ज़्यादा बता रहा होगा। ठीक है, ईच सेक्शन के, तो सो इफ वी हैव लेट एन मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स विद N1 इन ईच सेक्शन एंड N2 इन अनदर सेक्शन, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर गिवन बाय W will be equals to N factorial divided by N1 factorial and 2 factorial। ये नंबर ऑफ वेज आपको पता चल जाएंगे। अगर आपको इंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, देन इंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू के नेचुरल लॉग ऑफ, वो W होती है, तो के नेचुरल लॉग ऑफ N factorial डिवाइडेड बाय कैपिटल 1 N factorial and 2 factorial। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन यूज़ की जाती है, वो ये होती है कि अब भी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि ऊपर वाली क्वांटिटी अलग माइनस नीचे वाला डिनोमिनेटर पे आप ये अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, ये के ये नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल एन फैक्टोरियल माइनस, अब ये भी इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, फिर इसको ये माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर आप स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हो और स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग लेट्स से यहाँ पे m है, तो ये m नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस m के इक्वल ये होता है। तो आप यहाँ पे इन सब की जगह ये वाली चीज़ें पुट करके लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, मींस तो ये इसका है। और आई नो ये वाली चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम है, सो आई होप यू विल कोऑपरेट।